नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील परिसर पर मुख्य सचिव ने पहुंच करके स्वच्छता अभियान का जायजा लिया। वहीं वहां पर मौजूद लोगों की समस्याओं को भी सुना और पात्र लोगों को कंबल वितरण करके परिसर में व्याप्त अवैध कब्जे को हटाने की बात कही। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की ये रिपोर्ट। बिकता कहाँ पे है आपका? गाँव में बिक जाता है? सर, इतने साल से 70-35 बीघे जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, सरकारी जमीन है सर। एक साल से पत्रा वाली पेंडिंग की है, एक साल से सरकारी जमीन खारिज नहीं कर रहे हैं, पेंडिंग की है। और अगर हमारी कोर्ट से जाना है ना, हमको हरा रहे हैं तो करो। हाँ, 35 बीघे जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। हाँ, गाड़ी आगे उतरा। नोडल ऑफिसर के हैसियत से मैं तहसील को निरीक्षण कर रहा हूँ और ये मेरा पहला निरीक्षण है। अभी हम लोगों ने तहसील के जो वर्किंग उनके जो केस वर्क, कोर्ट वर्क, वसूली ये सब का देखा है। ऑन द होल कार्य काफ़ी अच्छे गति से हो रहा है और लखनऊ में जनता तहसील है बहुत यहाँ पे काम की गति और इनके पास मिसलेनियस काम भी काफ़ी रहता है, उसके मतलब काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ हमने निर्देश भी दिए हैं वसूली को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए। और जो वो आश्रय स्थल का था, मैं इसका निरीक्षण करने जा रहा हूँ। और बाकी शासन की जो प्राथमिकता है कि जो अवैध कब्जा है भूमि पे, उसको जो खाली कराया जाए, तो वो भी काम यहाँ अच्छा हुआ है, बताया गया फोटो तो। और फिर मैं और भी एक आध बार आऊँगा देखने के लिए। तो कुल मिला के ये हमारे तहसील के निरीक्षण का निष्कर्ष है और हम जाएंगे कुछ टीम पर देखने के लिए। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।